नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अनिल चौधरी। आपके अपने YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। मैं MBBS फोर्थ ईयर स्टूडेंट हूं, आउट ऑफ इंडिया यानी कजाकिस्तान से MBBS कर रहा हूं। और दोस्तों मैं ISM संस्थान है उसमें पढ़ रहा हूं और अपना पासपोर्ट जो वीज़ा के लिए दिया हुआ था उसको लेने के लिए आया हुआ हूं। देखो गुरु द्रोणाचार्य मेट्रो स्टेशन है जो मैं आपको दिखा देता हूं। ये आपको सामने दिखाई दे रहा होगा, इसके सामने ये बिल्डिंग है और इसमें बी ब्लॉक में शायद इनका ऑफिस है। तो अभी अपन अंदर चलते हैं और आज ही मेरी फ्लाइट है दिल्ली से अल्माटी के लिए, तो बहुत आकर्षक व्लॉग बनने वाला है, आप हमारे साथ बने रहिएगा। दोस्तों जो ये ISM ऑफिस है ये गुड़गांव के गुरु द्रोणाचार्य मेट्रो स्टेशन के पास है। सबसे पहले आपको गुरु द्रोणाचार्य मेट्रो स्टेशन आना होगा। दोस्तों मुझे जहाँ तक लगता है शायद इसी बिल्डिंग में ISM की ऑफिस है। दो ऑफिस बताई गई है, एक सेकेंड फ्लोर पर है, एक फोर्थ फ्लोर पर है। मैं देखता हूँ कहाँ पर मुझे अपना पासपोर्ट मिलता है। और काफ़ी स्टूडेंट हैं जो ISM के साथ पहले से जुड़े हुए हैं, जुड़ना चाह रहे हैं। अगर वो फ्यूचर में कभी ISM वापस आएंगे तो उनके लिए बहुत ही सुविधा होने वाली है इस ब्लॉक से। तो आप मेरे पीछे देखो, वो ए ब्लॉक लिखा हुआ है और ये बी ब्लॉक है। तो नीचे अभी गार्ड ने बताया हुआ है कि आप बी ब्लॉक में जाइएगा। तो हमारे लिए जो ये सिक्योरिटी गार्ड साहब हैं ये मिले हुए हैं, इन्होंने बताया है कि सेकेंड फ्लोर पर है, 204 नंबर रूम है या फिर जो केबिन है। और अभी मैं वहाँ चलता हूँ। तो अभी मैं लिफ्ट से बाहर आ चुका हूँ और अभी अपन सर्च करते हैं 204 रूम किधर है या केबिन किधर है। तो आप देख सकते हो मैं आ चुका हूँ, 204 लिखा हुआ है, ISM एजुटेक प्राइवेट लिमिटेड, और इसी में मेन ऑफिस में आ चुका हूँ। अब आपको अंदर से दिखाऊंगा। दोस्तों जो ये ISM एजुटेक प्राइवेट लिमिटेड है इसके जो ब्रांड एम्बेसडर हैं सोनू सूद साहब हैं, जो कि एक फिल्म अभिनेता हैं। तो आप देख सकते हो मैं ISM के अंदर आ चुका हूँ। ये ISM का लोगो लगा हुआ है, ISM एजुटेक लिखा हुआ है। देखिए कितना आकर्षक लोगो है, इसकी जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। इसके अलावा मैं आपको दिखाता हूँ अंदर, पूरा अंदर ऑफिस है। और हालांकि वीडियो बनाना अलाउ नहीं है लेकिन फिर भी मैं कोशिश करूँगा आपके लिए दिखाने के लिए। और अभी मैं जल्दी आ चुका हूँ, अपन टाइम की बात करें तो मैं आपको टाइम बता रहा हूँ, लगभग 9:30 बजे का टाइम हो गया है। तो हो सकता है अभी तक स्टाफ आया नहीं है, लेकिन बहुत ज़्यादा साफ़ सफाई है, बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन का पालन किया जाता है। यहाँ बहुत बड़ा स्टाफ है, पूरी मॉनिटरिंग, यहाँ जितनी भी कंट्रियों में स्टूडेंट जाते हैं संस्थान के, बहुत अच्छे से यहीं से कोऑपरेट किया जाता है। तो दोस्तों परमिशन लेने के बाद अपन जो ISM की सेकंड फ्लोर पर ऑफिस है इसके अंदर विजिट करते हैं। आप देख सकते हो छोटी छोटी केबिनें बनाई हुई हैं, लेकिन अभी आज स्टाफ नहीं आ पाया है, दशहरा का एक दिन पहले का टाइम है, तो जो भी काम होगा वो घर से हो पाएगा। आप देखिएगा मैं आपको अंदर लेके आया हुआ हूँ और यहाँ बड़ी बड़ी मीटिंगें होती हैं। इसके अलावा मैं आपको अंदर रूम में लेके आया हूँ, आप दीवारों पर तस्वीर देख सकते हो जो ISM एजुटेक प्राइवेट लिमिटेड है इसके अंदर जो यूनिवर्सिटी आती हैं उन सभी के लोगो लगे हुए हैं। इन यूनिवर्सिटियों में ISM के स्टूडेंट जाते हैं और आप देख सकते हो दोस्तों कितना ज़्यादा स्वच्छता का यहाँ पालन किया जा रहा है और बहुत आकर्षक लग रहा है। आप देखें मैं आपको चारों ओर से हर एंगल से दिखाने की कोशिश कर रहा हूं और दोस्तों उन सभी मापदंडों का मैंने पालन किया है जो ISM के रूल रेगुलेशन बनाए हुए हैं। तो अभी ऑफिस नहीं खुल पाई है, जो भी यहाँ कर्मचारी या फिर जो भी ऑफिशियली पर्सन काम करते हैं उनको आने में लगभग 15 से 20 मिनट का टाइम लगेगा, तब जाके वो मुझे मेरा पासपोर्ट देंगे। तो अभी मुझे थोड़ा वेट करने के लिए कहा गया है, मैं यहाँ वेट कर रहा हूँ। तो अभी मैं सेकंड फ्लोर पर हूँ, अभी मैं फोर्थ फ्लोर पर जा रहा हूँ क्योंकि ऊपर ही मुझे पासपोर्ट मिलेगा। आज वर्क फ्रॉम डे कुछ ऐसा था तो आज स्टाफ नहीं आया क्योंकि कल दशहरा है, तो अब मुझे फोर्थ फ्लोर पर ही जाना पड़ेगा, वहाँ से मुझे पासपोर्ट रिसीव करना है। तो अभी मैं फोर्थ फ्लोर पर जा रहा हूँ, माई सेकंड ऑफिस है ISM की और अभी वहाँ कॉल आया है मेरे पास कि आप फोर्थ फ्लोर पर आ जाइएगा और अभी मैं आपको फोर्थ फ्लोर भी दिखाने की कोशिश करूंगा। हालांकि मैंने भी पहले नहीं देखा, मैं जब भी आया हूँ सेकंड फ्लोर पर ही मैं आया हूँ। तो आप देख सकते हो मैं फोर्थ फ्लोर पर आ चुका हूँ और अभी अपन फोर्थ फ्लोर के अंदर चलते हैं। आधार कार्ड 24 your application number or your government number?
एनरोलमेंट नंबर KR वो आप देख सकते हो, मैं फोर्थ फ्लोर आ चुका हूँ और ये मैम है। अभी मुझे पासपोर्ट देने से पहले मेरा आधार कार्ड चेक कर रहे हैं, मेरा एनरोलमेंट नंबर कि मैं ही हूँ या नहीं, मेरा वीज़ा लगा हुआ है। पूरी इंक्वायरी करने के बाद आपको पासपोर्ट दिया जाएगा। दोस्तों ISM के अंदर ये खास बात है, यहाँ जो डिसिप्लिन और यहाँ के जो प्रोटोकॉल हैं वो बहुत टफ हैं, बहुत ही बारीकी से आपको पालन करने होंगे। डिसिप्लिन के मामले में ISM सबसे टॉप पर है। आप देख सकते हो ये मेरा वीजा लगा हुआ पासपोर्ट मिल चुका है और अभी मैं द्रोणाचार्य रेलवे स्टेशन के पास, जो ये ग्लोबल अपार्टमेंट है, इसके फोर्थ फ्लोर पर हूँ और अभी मैं वाई मेट्रो या फिर वाई टैक्सी देखता हूँ और जल्दी मुझे टर्मिनल 3 IGI जो एयरपोर्ट है दिल्ली वाला, उस पर निकलना है क्योंकि मेरी शाम को 6:30 बजे फ्लाइट है। तो मुझे बहुत अच्छा लगा ISM ऑफिस में, बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हुआ यहाँ की साफ सफाई देख के, यहाँ के लोगों का डिसिप्लिन देख के। तो मेरा भी बहुत बड़ा सपना है मैं आगे चल के ISM के साथ काम करूँ और ISM को 7वीं बुलंदियों पर पहुँचाने में जितना भी मेरा सहयोग होगा इसको बड़ी ईमानदारी से निभाऊँ। मैं अपना पासपोर्ट लेके आ चुका हूँ और सेकंड फ्लोर पर मेरा बैग रखा हुआ है। पहले बैग में रिसीव करता हूँ, उसके बाद मैं यहाँ से निकलूंगा। मैंने अपना बैग ले लिया है और अब मैं यहाँ से निकलता हूँ। ISM के साथ बहुत यादें जुड़ी हुई हैं, मैं यहाँ पहले भी 2-3 बार आया हुआ हूँ लेकिन मैं आपको इस ब्लॉग में ये नहीं बताऊँगा मैं क्यों आया हुआ हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट काम था। और अभी मैं यहाँ से चलता हूँ, ये ISM है, बाय ISM, और अभी मैं निकलता हूँ। नीचे मेरा सामान रखा हुआ है और वो बड़ा बैग में ऊपर लेके नहीं आ पाया। तो आप देखो मैं लिफ्ट से बाहर आ चुका हूँ और अभी मैं जो ये अपार्टमेंट है इससे बाहर निकलने की कोशिश कर रहा हूँ। देखो आप मेरे चारों ओर कितना अच्छा माहौल बना हुआ है और बहुत ज़्यादा लग्जरी फील होता है जब अपन ऐसी बिल्डिंगों में आते हैं। और मैं आपको दिखा देता हूँ, ये देखो मेरे पीछे बी ब्लॉग लिखा हुआ है, आपको शायद नज़र आ रहा होगा। आप भी कभी आएँ तो यहाँ बी ब्लॉक में आएँ, यही ISM की ऑफिस है। दोस्तों आउट ऑफ इंडिया से MBBS करने वाला शायद ही कोई ऐसा स्टूडेंट होगा जिसने ISM का नाम नहीं सुना। ISM का MBBS एब्रॉड में बहुत ही बड़ा और प्रतिष्ठित नाम है, तमाम हजारों स्टूडेंटों का ट्रस्ट इस पर बना हुआ है। ये अपनी पूरी सर्विस देता है और स्टूडेंट के साथ हमेशा न्याय करता है। एजुकेशन को या फिर MBBS एब्रॉड को किसी ने चरम पर पहुंचाया है तो उसमें ISM का बहुत बड़ा योगदान है। आज MBBS एब्रॉड में सर्वश्रेष्ठ पोजीशन पर ISM है, इसमें कोई भी डाउट नहीं है और ISM से मोस्टली स्टूडेंट सेटिस्फाई हैं। कोई भी तरीके की यहाँ की जो भी व्यवस्था उसमें कमी नहीं है। तो मैं ISM ऑफिस से बाहर आ चुका हूं और मैंने अभी कैब बुक कर ली है। तो दोस्तों ये कैब आपको 25 से 30 मिनट के अंदर आपको इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर पहुंचा देगी और अभी मुझे 5 से 7 मिनट हो गए हैं चलते चलते और मैं आपको जल्द ही एयरपोर्ट दिखाऊंगा, हालांकि मोस्टली लोगों ने देखा हुआ है।